पा पढ़ा टेंसिस के बारे में अगर पा टेंस दसूँ तो टेंस चब वक्त के या जमान के तो अगर पा टेंसिस जो टेंस है वक्त है पा चवंदा तो पाँच को टाइम जो वो कंटिन्यू है यानी पा हिंस कुछ कर रहा है या लिखी रही आया यो कंटिन्यू है पा चाहे लिखी चुकी आया तो यो गुजल है छोटे चुकी आया या चवान तो आऊँ ही लिखंदस तो दिस इज समथिंग इन फ्यूचर तो पा वट वक्त जब टे काइंड्स अगर पा वे वक्त काइंड्स दसूँ तो जो पा वट प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस है ए फ्यूचर टेंस है यानी पा वट टाइम थ्री काइंड्स टाइम थ्री काइंड्स हाँ अगर पा हर काइंड के पा उन डीप में वनूँ उनके एलैबोरेट करूँ तो पा हिं कहूँ पा पे जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है हर टेंस के वरी फर्दर डिवाइड कर छोजे पा दसूँ ना अगर पा प्रेजेंट में गाल कर रहा आयो तो पा चूँ आऊँ प्रेजेंट में ही कम कर चुकी आया या आऊँ प्रेजेंट में ही कम कर आऊँ प्रेजेंट में ही कम कर रही आया तो दिस इज समथिंग वी आर टॉकिंग इन प्रेजेंट बट पर प्रेजेंट में भी पा डिफरेंट टाइम्स की गाल करूँ पाँ जो प्रेजेंट टेंस है यानी इनके पा चवंदूँ जमान हाल या समथिंग जारी जमान हाल के पा उनके फर्दर डिवाइड कर चार टेंस चार पार्ट्स में जो पा प्रेजेंट सिंपल टेंस की है तो आऊँ लिखा थी ही मानी खाए थी वो गुल पटे थी समथिंग जैमें पाँच थी वारी एंडिंग हो पा वट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंटिन्यूस समथिंग जो पा वट टाइम में कंटिन्यू हो यानी हु गुल पटे रही है हु कम करे रही है वट एवर द वर्क शी इज़ डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस परफेक्ट जो है उन पा चुकी जो इस्तेमाल चुकी जो इस्तेमाल क्यों तो हुआ कम कर चुकी है हुआ लिखी चुकी है उहे रांद रही चुका है तो चुकी जो माना समथिंग दैट इज़ इन प्रेजेंट बट चुको जो इस्तेमाल पा वट थे पा अड़ा सेंटेंसिस इलाही इस्तेमाल कहे आम बरह में उनखा पा वट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पा ये चूँ तो हू सुबह खां कम करे रही आहे तो पा कि चवंदासूं हुआ सुबह खां कम करे रही आहे या हुआ सुबह खां पढ़ी रही आहे दिस इज समथिंग व्हाट दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हाँ पहले पा हर टेंस के एलैबोरेट कंदासीं चंगे नमूने एक्सप्लेन करे समझंदासूं तो उन खां पहरियों पा टेंस जिते अचना वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस सो पहरियों पा वट है प्रेजेंट सिंपल टेंस जैसे पा प्रेजेंट सिंपल टेंस जो अगर पा पढ़ूँ तो जो तक पैर ही बुधा चुकी हाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में पाँच जी एंडिंग होंगी है वह थी था थो वगैरह अड़ी होंगी है सही है तो अगर पा हेल्पिंग वर्ब दसूँ प्रेजेंट सिंपल जहाँ तो वह पा वटन डू एंड डस अगर पा ईच इफ यू टॉक अबाउट द यूज ऑफ ईच दैट्स डू एंड डस तो पा डू जो है वो किन सा लगन है डू पा वट लगन है प्लूरल से सही है डू लगन है प्लूरल से कड़ा कड़ा जो पा प्यूरल्स की गाल करूँ वी है दे है जो डू है वो आई से भी लगन है ओके पर आई जो है वो प्यूरल ना उन पा वट डस अगर पा डस जो यूजेज दसूँ तो डस जो है वो लगन है डस जो है वो सिंगुलर से लगन है सिंगुलर सभी से लगन है एक्सेप्ट आई यानी सिंगुलर्स एक्सेप्ट आई यानी आई भी एक सिंगुलर है पर इंसान डज को लगन है एक्सेप्ट आई हाँ पा अगर बेन सिंगुलर्स का एग्जाम्पल खड़ू यानी ही है शी है पा वट थोड़ बया पा चूँ तो पा वट नाउन्स उन भी लगन है सही है उनखा पे अगर पा एग्जाम्पल्स खड़ू कुछ सा प्रेजेंट सिंपल जहाँ तो पा वट ही थी वा लिया शी आऊँ चवान तो शी प्लक्स अ फ्लॉवर शी यानी हु एक गुल पटे थी छो थी जी एंडिंग है छो जे वी आर स्टडिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस शी प्लक्स अ फ्लॉवर तो ही है पाँचों प्रेजेंट सिंपल है उनके पा वरी एलैबोरेट कहूँ तो इनमें नेगेटिव सेंटेंसिस क्या पॉजिटिव क्या पा डीप में वादा उतने तक पा शी प्लक्स अ फ्लॉवर जैसे पा के नेगेटिव कहें तो क्या कहें शी सेम रखासी उनका लिखासी डज नॉट शी डज नॉट उनका जो प्लग कहे इन जो एस जो है पा एस जो इजाफो कर जो यानी छो हाँ दसो एक पा वट शे थोड़ी तक बुधाइंदम तो शी जो है यो पा जदी पा वट को भी सिंगुलर होंद है
या पा वट को भी नाउन होंद इतने सिंगुलर और नाउन तो पा उन इजाफो क्यों तो पा उन इजाफो कंदी ई एस जो या एस जो पर जैसे पा वट को भी प्लूरल हों पा को मतलब उनमें ई एस या एस जो इजाफो न कंदी नाउन ठीक है पा वे सिंगुलर और नाउन जैमें पा ई एस या एस जो इजाफो कह अगर पा प्लूरल है तो पा ई एस या एस पा उनमें इजाफो न कंदूँ बी गाल पा इतने समझी रहा तो शी प्लक्स अ फ्लॉवर वाई वी यूज एस बिकॉज वी यूज ई एस और एस विथ अ सिंगुलर बिकॉज शी इज अ सिंगुलर दिस वाई वी आर यूजिंग हियर ई एस और एस उनका पा वे शी डज नॉट जैसे पा नेगेटिव सेंटेंस इन जो ठाई तो शी डज नॉट कि वरी प्लग ओके प्लग अ फ्लॉवर उन वरी पा नेक्स्ट एग्जांपल इन जो दसूँ तो वो है दे प्ले क्रिकेट और सो दे प्ले क्रिकेट है उनमें पासो इतने पा पे इतने पा एक नाउन इस्तेमाल सॉरी इतने पा एक पे पे सिंगुलर इस्तेमाल किया दैट्स शी उन पा डिफरेंट डिफरेंट शुरू पा प्लूरल इस्तेमाल किया यानी प्लूरल जो भी यूज़ किया टेंस में उन वरी पा के नाउन जो इस्तेमाल कंदी जो पा चंगे नमूने समझी सकूँ दे प्ले क्रिकेट तो इनके पा अगर नेगेटिव में सेंटेंस में चेंज करो तो ये दे डू नॉट छू इस्तेमाल छोजे पा की खबर है हेल्पिंग वर्ब्स है जैसे पा वो प्लूरल है यानी दे है तो दे से पा डू जो यूज़ कंदूँ वाई एज आई हैव टोल्ड हियर दैट्स हियर हेल्पिंग वर्ब इन जहाँ कड़ा डू एंड डजन एंड डू जो पा यूज़ कैंसा कह प्लूरल से वी दे आई हालांकि आई प्लूरल कान्ने को पर उन पा आई जो इस्तेमाल कह डज सिंगुलर से एक्सेप्ट आई छो छो सिंगुलर आई है जो ही शी है पा नाउंस तो जो पा इतने तक अच्छा वही तो दे प्ले क्रिकेट तो पा उनके नेगेटिव में क्या कहते दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इतने दे डू नॉट प्ले क्रिकेट उनका पे पे वही सेकेंड एग्जाम्पल्स पाँच इतने पा सिंगुलर जो भी यूज़ किया दैट्स शी ही वी कैन यूज एनी सिंगुलर हेयर एंड उनका पा प्लूरल जो भी इस्तेमाल किया दैट्स दे दे हाँ ऐसो मेन शमझण की तो शी जिते पा इस्तेमाल किया यानी पा सिंगुलर इस्तेमाल किया डस पा इस्तेमाल किया जैसे पा नेगेटिव सेंटेंस किया तो डस जैसे आयो तो प्लक जो है सॉरी प्लक्स जो है वो प्लक में थी वो यानी डज नॉट के करें उनका पा पा पढ़ो दे प्ले क्रिकेट तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट दे से पा डू जो यूज़ किया डू नॉट थी वो प्ले पा जो सेम अची हाँ पा वो नेक्स्ट एग्जाम्पल खड़ा नेक्स्ट एग्जाम्पल पा वो तो अगर ऐसो इतने पा पे सिंगुलर इस्तेमाल किया इतने पा प्लूरल इस्तेमाल किया हाँ पा को नाउन था खड़ो नाउन जो पा खूँ तो अली लाइक ऑरेंजेस अली लाइक्स अली लाइक्स ऑरेंजेस इनके पा नेगेटिव क्यों कंदी अली सेम आयो छो जो यो भी सिंगुलर है तो पा छा सी डज नॉट एंड डज नॉट का ये लाइक कहे आई मीन लाइक सहे वो थी वो लाइक oranges ओके अवधिक तहां के बियन टेंसेस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में बियन वीडियोस में बुधाइना तंगे कंटीन्यूअसली वीडियोस दिसना रहो।